तो हे दोस्तों, कैसे सभी? आई होप के अच्छे होंगे। तो आज आपको दिखाएंगे यमुना का जो वाटर लेवल है वो कितना है। तो देखिए, अभी हम खड़े हैं यमुना के बिल्कुल किनारे, और ये अपना 11 सीढ़ी। तो यहाँ से आप देखेंगे यमुना तो सामने हमारे दिखेगा ये आपको रेड फोर्ट, और ये रहा पूरा यमुना का जो एक 360 का व्यू। तो अगर हम यहाँ बात करें यमुना में जो पानी का जो वाटर लेवल है वो अब कम हो रहा है, क्योंकि बरसात है वो जा चुकी है और कई दिनों से बारिश नहीं हो रही है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर यमुना का जो लेवल है वो डाउन होता जा रहा है, लेकिन कई इलाकों में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, जैसे कि अपना बिहार साइड चले जाओ, वहाँ पर तो वहाँ पर जो नदियाँ हैं काफ़ी उफान पर है और बहुत ज़्यादा सैलाब आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यमुना का जल स्तर बिल्कुल डाउन है। तो बाकी मैं आपको यहाँ से नीचे से दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पूरा एक व्यू ले सकते हैं। तो बाकी हम यहाँ पर बात करें यमुना के जो अभी वाटर लेवल है, तो आज करीब जो डेट है वो है 3 अक्टूबर, और यहाँ से यमुना का एक व्यू है बहुत ही प्यारा नज़र आता है। लेकिन अभी पानी यहाँ पर बहुत ही कम हो जाएगा, तो ये यमुना आपको जो साफ दिख रही है वो एक नाले में बदल जाएंगी। तो आज के या 1-2 महीना बाद देखेंगे तो ये यहाँ पर पानी बहुत ही काला पानी आएगा, और जो यमुना है एक नाली की तरह हमको नजर आएंगी और काफ़ी ज़्यादा गंदगी दिखेगी। लेकिन जो अभी आप देख रहे हैं तो एक बहुत ही क्रिस्टल एक अच्छा सा व्यू है। पानी थोड़ा मटमैला है, लेकिन एक जो व्यू है, जो सफाई है, वो काफ़ी अच्छी आपको यहाँ दिख रही है। और बाकी का अगर मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ तो ये है 11 सीढ़ी का एरिया, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह भी आते रहते हैं। लेकिन अभी सुबह का टाइम है तो यहाँ पर कोई नहीं है, और बाकी लोग यहाँ पर आते हैं थोड़ी मेडिटेशन भी करते हैं, क्योंकि एक पीसफुल जगह है। और बाकी आप देखेंगे तो सामने यहाँ से आपको दिख जाएगा वो शमशान घाट, और बाकी का यहाँ से अगर आप पूरा एक व्यू देखेंगे तो सामने जो एक नाला आता है, तो वो भी अभी देखिए मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो सामने नाला है, तो वो भी यहाँ पर यमुना भी गिरता है, तो इससे गंदगी यहाँ से और नज़र आती है हमको। अभी जो थी यमुना का अपडेट वो मैंने आज आपको बता दिया है, और फिर आज की वीडियो को यहाँ पर करते हैं एंड, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।